सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 3x यहीं पे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या आएगा, ये 2x आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। क्लियर? तो अब ऐसे हो गया ये हमारा इक्वेशन। हम 3x में से 2x घटाएंगे इधर ले जाएगा, क्या बचेगा x, तो x इज इक्वल टू 8 और 2 10, यानी कि x तो 10, x क्या था हमारा पहला नंबर, तो अगर पहला नंबर 10 है तो दूसरा इवन नंबर क्या आएगा 12 और तीसरा क्या आएगा 14। 10 12 और 14 तीन नंबर हमारे पास होने चाहिए इस क्वेश्चन के हिसाब से। अब क्या कहता है, व्हाट इज़ द थर्ड नंबर, थर्ड नंबर क्या है हमारे पास 14 आ गया, पहला नंबर निकाल लिया हम, दूसरा भी निकाल लिया, तीसरा भी, तीसरा नंबर हमारा 14 है। अब आप इसको जांचना चाहते हो तो आप जांच लो, पहला नंबर का 3 गुना कर दो, 10 का 3 गुना किया 30, अब तीसरे नंबर का 2 गुना करो तो 14 इंटू 2 28, उसमें 2 प्लस कर दो 30 हो गया, इधर भी 30 इधर भी 30, तो हमारा क्वेश्चन ये चेक भी हो गया साथ साथ। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल बिल्कुल भाग का सवाल दिया हुआ है, सिंपल, तो आई थिंक हमें इसको छोड़ देना चाहिए, ठीक है। और इसका आंसर आ जाएगा 18 74 2 1 18 18 412, इसका आंसर आएगा, ऑप्शन बी बनेगा इसका, ठीक है। 59 पे चलते हैं। 59 भी बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, तो आई थिंक इसमें भी कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक किसी को नहीं होनी चाहिए, फिर हम आपको करके दिखा देते हैं। चलिए, 405 ये दिया हुआ है प्लस 307 इंटू 4, ठीक है। तो 307 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा, 3 चौक 1200 और 7 चौक 28, 1228। और इधर कितना दिया है 1633 हमारा आंसर है, ऑप्शन बी में दिया है हमारा आंसर, ठीक है। उसके बाद तीसरा सवाल भी बेहद सिंपल है, सॉरी 60 नंबर सवाल, बिल्कुल सिंपल एकदम, और इसमें कुछ ऐसा होना नहीं चाहिए कि कोई दिक्कत हो। आप एक बार कर लेना, किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, फिर हम आपको बता देंगे, कोई इशू नहीं है। आंसर इसका आएगा 450, ठीक है। तो ये हमारे मैथमेटिक्स के सवाल थे, हमने दोनों ढंग से देख करने की कोशिश की है, हिंदी इंग्लिश मीडियम का भी हमने कोई अंतर नहीं आने दिया। हाँ, वीडियो ज़रूर थोड़ी लंबी हो गई है, बट हमने कहीं से कहीं तक कुछ भी छोड़ा नहीं है इसमें, उन बच्चों के लिए है स्पेशली जो मैथमेटिक्स में दिक्कत महसूस करते हैं, तो होपफुली उन बच्चों को अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो इसको रिपीट एक दो बार वीडियो को देख लेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, और एक दो दिन बाद रिपीट करके देख लेंगे तो 100% ये कन्फर्म हो जाएगा कि आपका एक भी सवाल आने वाले एग्ज़ाम में गलत नहीं होगा। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।